मीडिया नेटवर्क आज मुंबई के देवनार बकरी मंडी आ पहुंचा। इनकी धंधे की स्थिति बकरी के मौके पर किस प्रकार चल रही है, आइए इनसे जानते हैं। सर बात बकरी की स्थिति अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी चल रही है, और ये तो आज थोड़ा जो अपने कच्ची वाले बकरे थे ना वो आने के बाद थोड़ा डाउन आया है, और बकरे अंदर स्वस्थ बच्चे आए थे। मंडी कहाँ से मेवात हरियाणा पूर्वी झिरका, और हम साल के 12 महीने माल बेचते हैं, पर अपना माल हम फुल पाँच रोज का तैयार करते हैं, और जिसको भी डिलीवरी की जरूरत हो माल हम दूसरे को पहुँचाते हैं। तो आज जो आज की रात जो लास्ट है, तो आज रात के अंदर आपको क्या लगता है कि सारे जो बकरे हैं जो सेल हो जाएंगे? सब सेल हो जाएंगे, लास्ट उम्मीद है अल्लाह की बहुत बड़ी जात है इंशाल्लाह। और पिछले साल के मुकाबले में ये साल जो धंधा है किस तरीके का? पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ज़्यादा रही, मगर फिर भी अच्छा धंधा कुछ तो उनका कहना है कि हम लोग 30,000 के बकरे 8,000 में बेच रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना? ये लोगों का कहने का वो तात्पर्य मेरी समझ में गलतफहमी है, तो गलत वो है उनका बयान इस तरह का, क्योंकि हम बकरे ले गए थे, हमने 30 से 35-40 हज़ार में 50,000 के बकरे बेचे थे, अल्लाह का शुक्र नसीब का मिलता है इंसान, अगर वो इस बात को कर गलत कहते हैं मैं इस बात को मानी। और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें दिखाया जा रहा था कि देवनार के मंडी के अंदर बकरे को जो है कोई दारू पिला रहा। नहीं, सब ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं गंदे लोग, बहुत बुरी बात है, हमारी नज़र में कोई बकरा ऐसा नहीं आया जो बकरे को दारू पिलाने वाला, मगर किसी की नज़र में आया हो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। किस तरह की शुभकामना देना चाहते हैं? हम भाई को यही शुभकामना देना चाहते हैं, कच्चे जानवर आए हमें कुर्बानी पूरी करो, अल्लाह का शुक्र जानवर बहुत खुश है। सबसे पहले मैं फिर मुबारकबाद देते हुए मैं हमारे सब व्यापारी लोगों की तरफ से मैं सबको एक मुबारक करता हूँ। आज अपना सामना आपके सामने अभी बहुत सारे के लिए बकरे लगाए हैं, ये हमारा बहुत सारा बिक गया है। तो आपके धंधे की स्थिति किस तरह चल रही है? अभी एक दो दिन पहले बहुत अच्छा तरह से बिक रहा था बकरा है, अभी कोई किसी स्थान से बहुत तरह का माल आ गया, तो अब इसलिए रेट बहुत गिरा हुआ है, क्या है सब व्यापारी परेशानी में है, लेकिन अभी बिकते जाने वाले हैं। मेरा कहना है कि आज का लाभ भी है, तो इसमें आप क्या पिकअप कर रहे हैं? होता है अभी जो रेट में बढ़ते हैं उस रेट में बेचने का, और इधर से जाने का ये सही रहना चाहिए। और पिछले साल की पिछले साल तो बहुत अच्छा रहा, पिछले साल बहुत बारिश था, कुछ बारिश में इतने बदला राजस्थान में बकरा है, हाथ में बकरे लेके गया, बहुत अच्छी स्थिति रही, लेकिन इस साल बाद में पूरी मंडी गिर गई। और बीच में यहाँ पर जो मीडिया में वायरल हुआ था सोशल मीडिया में कि कुछ लोग बकरे को दारू पिला रहे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी आदमी बीमार पड़ जाता है वैसा जानवर भी थोड़ा बीमार पड़ जाता है, दारू वगैरह कोई पिलाता नहीं, लेकिन क्या बात है थोड़ा सा बीमारी आती है इसलिए थोड़ा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, वो लगवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, थोड़ा सा घड़े में फैल जाता है। वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे मंडी तो बहुत बड़ी रहती है, एक दो व्यापारी तो दूर करते हैं ऐसी कोई, ज़्यादा से लोग ऐसा नहीं करते। तो आपको इस साल की जो है एक बात है, पिछले राज्य से बहुत बकरा रहे हैं वैसा इस साल महाराष्ट्र से बहुत बकरा रहे, अभी फार्म इंडस्ट्री में बहुत फार्म में बहुत लोग अभी महाराष्ट्र के भी जा रहे हैं, उस स्थिति में महाराष्ट्र के बकरों की जो इधर अच्छी तरह से जो क्या बोलते हैं उसको ये करनी चाहिए उस तरफ। और आपसे एक सवाल और है कि आप लोगों को कॉपरेट करने के अंदर हमारी मुंबई पुलिस का क्या सहयोग? बहुत अच्छा है, मुंबई पुलिस तो बहुत अच्छे काम कर रही है,
जगह जगह पे सब लोग उनके तैनात थे, उनका रोल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी वगैरह वो कुछ नहीं थी, लोग पहले कर रहे ऐसा वैसा उम्मीद करते हो कि आज रात आपका इंशाल्लाह खाने को मिल जाए, मिल जाए। बाजी आ जाओ भैया, सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुआ था कि बकरे को दारू पिलाया जा रहा है, ये बात सही है कि ठीक है? सोशल मीडिया के बारे में हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है? गलत बताया था, मैंने मार्केट में गिराने के लिए किया गया था, आम खराब करने के लिए। आप कुछ और बताना चाहते हैं? लेटी आ रही है आपको एजेंसी और पुलिस डिपार्टमेंट ने किस तरह से कॉपरेट किया है? कोई आपकी शिकायत है? बकरे बहुत खराब बकरे, 20,000 बकरे का 10,000 रुपया बट रही है, 5,000 रुपया बट रही है, बहुत हालत खराब है, लोग परेशान पा रहे हैं। तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल बाजार की क्या स्थिति चल रही है? बहुत खराब है, पिछले साल तो बराबर था, इस साल तो बहुत खराब है। तो आप जो है बकरा किस भाव में बेच रहे? किस भाव में बेच रहे थे? इधर से राजस्थान से लाए भर के, अब वापस थोड़ी लेके जाएंगे, कमती बत्ती करके लेके जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं तो आपको ज्यादा बड़ा की बेचा जा रहा है, कम होते जा रहा है, मुनाफा मिल रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हाँ कम होता जा रहा है, आप समझाएंगे हम लोगों को? घाटा लग रहा है, एक बकरा में 4,000-5,000 रुपया का घाटा लग रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बकरीद का जो आज लास्ट दिन है, तो इस मौके पे आज आपको लगता है कि आज तक पूरे आपके बकरे जो बिक जाएंगे? नहीं बिक जाएंगे।